ए शराबी, चल उठ। ये कोई तुम्हारे बाप की जगह नहीं है जो यहाँ पर बीचों बीच पसर के सो रहे हो। ये आम सड़क है, लोगों को तकलीफ होती है आपकी वजह से। ए शराबी, उठ उठ। अंगूरी का है, सुबह सुबह परेशान कर रही हो भाई। तिवारी जी, गुड मॉर्निंग भाभी जी। आप सुबह सुबह अचानक हमारे बेडरूम में। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे बेडरूम में पधारे। अंगूरी भाई, भाभी जी के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। तिवारी जी जी, आपने सड़क को अपना बेडरूम कब से बना लिया? बीच सड़क पे जी, आप बीच सड़क पे लेटे हुए हैं। चश्मा कहाँ गया? आप भी कमाल कर रही है, बहुत आनंद आया, आप हमारे बेडरूम में आ गई भाभी जी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अरे अपनी सरप्राइज की छोड़ो, रात को हमारे साथ क्या हुआ इसकी तुम्हें कौन फिक्र नहीं है? ना ही है, मतलब कहा है ना कि हम इतने खुश हैं कि उनको कुछ होश ही ना ही है। इतनी भी क्या खुशी हो गई कि हमारी कौन फिक्र नहीं है तुम्हें? हे खुशी, अपनी खुशी को साइड में रखो और ये बताओ कि रात को तो बेडरूम में हम तुम्हारे साथ सोए थे ना। तो फिर सुबह यह सड़क पे कैसे पाए गए? हमको लगता है हमारी खुशी में आपके सवाल का जवाब है। आइए हमारी खुशी दिखाते, आइए। काहे जीजा, पीपनी काहे बज गई तुम्हारी हमें देख के? इसका मतलब हमें रोड पर इसी ने सुलाया था। काहे जीजा, हमको देख के खुश नहीं हुए का? नहीं नहीं, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, तो फिर थोबड़ा जो है सलजम की तरह लाल गाय हो रखा है। कहाँ लाल हो रखा है? हो रखा लाल? दीदी खूब मलीदा खिला रही हो जीजा को आजकल, है देखो गाल कैसे टमाटर की तरह लाल हो गए। तू ज्यादा ही मजाक कर रहे हैं साले जी। साले, बहन दिए अपनी, इतना तो झेलना पड़ेगा। क्या जीजी, सही पकड़े हैं? हाँ, कुछ ज्यादा ही झेल रहे हैं। अंगूरी से शादी करके पता नहीं बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हमने। जीजा मुँह मुँह में बतासे से चबा रहे हो जीजा, खुल के बोल लो। हम क्या कुछ कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि कब छूटे बेटा जेल से? कल रात छूटे हैं। अच्छा, तो कब वापिस जाओगे? जब इच्छा होगी तुम्हारे हाथ पर खोल देंगे और निकल लेंगे। गुड मॉर्निंग भाभी जी। अरे तिवारी जी, काहे की गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह उठो तो कोई ना कोई बुरी खबर सुनने को मिल जाती है, ये गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग हो जाती है। ऐसी क्या बुरी खबर पढ़ने को मिल गई भाभी जी? पता है क्या लिखा है? लिखा है कि एक साले ने अपने जीजा को जहर देकर मार दिया। आप क्यों चीख रहे हैं, क्या हो गया? नहीं भाभी जी, हमें अचानक ऐसे एहसास हुआ जैसे हमारे साले ने हमें जहर दे दिया। आप हैं जहर देने लायक चीज? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ, एकदम सही कह रहा हूँ। जो गुनाह अजीम आपने किया है ना, उसकी सजा सिर्फ यही है। आई थिंक यू शुड बी शॉट डेड। अरे अरे विभू, क्या बोले जा रहे हो? ऐसा क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? भाभी जी पूछिए ना इनसे, पूछिए ऐसा क्या गुनाह अजीम कर दिया है हमने?
इन्होंने एक सीधी शादी भोली भाली लड़की को फंसाया है, उससे शादी की है, ही कॉर्नर्ड हर एंड देन इवेंचुअली ही कॉर्न्ड हर। बहुत अच्छे, यही शब्द मैं लानत में लपेट कर आपके मुंह पर मारता हूं। आपने एक बहुत ही रॉयल खानदान की लड़की को बेवकूफ बनाकर उससे शादी की है। अरे काय की रॉयल, इनके डैड जो है ना लूटे बेचते हैं। माफ कीजिएगा भाभी जी, हमें वाकई नहीं पता था कि आप लोटे वाले की लौंडी लड़की है। क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों, बोल जलूर। भाभी जी शुरुआत इन्होंने की थी, देखिए ना, एक तो पुतन के आने की वजह से हम वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से ये हमें परेशान कर रहे हैं। पुतन आया है, पुतन इज इन टाउन, ओह गॉड विल पेंट द टाउन रेड एंड विल पार्टी और पार्टी। क्या बताएं भाभी जी, चोरी से हमारे बेडरूम में घुस गया और हमें उठाकर यहां बीच रोड पे रख गया। आप तो, हम तुम्हारे लिए बहुत दिल से समोसे बनाए हैं। भाभी जी आप जो कुछ बनाती हैं दिल से बनाती हैं। अगर इंसान भाभी जी के हाथ का खाना खा ले एक बार तो जिंदगी भर उंगलियां चाटता रहता है। बाय द वे मेरा नाम विभूति नारायण मिश्रा। नेवर माइंड। क्यों है? क्यों मतलब? आ पुत्र, ये हमारे पड़ोसी है भरभूति जी। हाय। अच्छा जीजी जी, वही है जो अपनी बीवी के टुकड़ों में पलते हैं। हाँ वही है, वही है। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, बहुत चिली चिली सुनी है, सुना है बहुत बड़ी चिरांद हो। ठीक है तरीका बात करने का। और ये किसने कहा आपसे कि मैं अपनी बीवी के टुकड़ों में पलता हूँ? किसी ने कही हो ना कही हो, तुम्हारी शकल पे तो लिखा है। भाभी जी माफी चाहूंगा, आपके भाई को इस बात का जरा सा भी सलीखा नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। अदब अदाब से बहुत दूर हैं ये। आप उतन पुतन बहुत शरारती बच्चा है। बच्चा है? किस एंगल से बच्चा है? मुझे तो किसी भी एंगल से ये बच्चा नहीं लगता, बल्कि इसकी बच्चा पैदा करने की उम्र हो गई है। बच्चा होता तो क्या गोद ले लेते। मुझे ऐसे बच्चों को गोद लेने का कोई शौक नहीं है। ले भी कैसे सकते हो, फिर बच्चा पालने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए जेब में माल भी तो होना चाहिए। जी नमस्कार, विभूति बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, सब ठीक है सर। सर बीमे की बात की थी ना मैंने आपसे, वो इंश्योरेंस की। हेलो सर, मुझे आपकी आवाज, हेलो हेलो, मुझे आपकी आ रही, हेलो। अरे ने जान के काटा है फोन, कमीना कहीं का। अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी। अरे भाभी जी, अरे यहाँ बैठी ना भाभी जी। अरे आ रही, आ रही, बैठ। वाह भाभी जी वाह, क्या बात है, आपके हसीन कदम हमारे घर पे पड़े, हमारे घर की तो लॉटरी निकल गई। माय गॉड, क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप तो आती ही नहीं। हम काम में स्टॉक रहते हैं ना भाभी जी। स्टॉक? हाँ सही पकड़े हैं भाभी जी, आपका घर है, कभी कभी आया जाया कीजिए, आने जाने से प्यार बढ़ता है। क्या बोले? मैंने कहा और कैसी हैं आप? अनीता जी कहाँ हैं? अरे छोड़िए अनीता को, आप मुझसे बात कीजिए ना। आपसे कहाँ बात करें? प्यार की। क्या बोले? प्याज की। आजकल प्याज बड़ी महंगी हो गई, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग आजकल। अनीता जी कहाँ हैं? बेबो कौन है? भाभी जी देखो डार्लिंग आई है, मतलब डार्लिंग देखो भाभी जी आई है। अरे अंगूरी जी आप, क्या बात है, कैसी हैं आप? हम ठीक बा, आप कैसे मानिका जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे हाँ मैंने सुना है कि आपका भाई पुत्तन है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।